नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्री यूट्यूब चैनल निशा ने कुंदन को यानी कि उस पढ़ा लिखा रिक्शा वाला को अपने घर पे अपने भाभी के बेटी के लिए ट्यूशन पढ़ने के लिए बुलाया था। लेकिन उस कुंदन में हमेशा निशा को देखते थे और मन में मन निशा को बहुत ही ज़्यादा चाहने लग गया था। और निशा भी कुछ टाइम बाद ये समझ ली थी कुंदन उसे मन में मन चाहते थे, तो वो भी कुंदन के सामने बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होते थे। तो एक दिन ऐसा देखने को मिला है कि निशा ने जब घर के अंदर थे तब वो कुंदन के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे और अचानक वो कुंदन को याद भी कर रहे थे। लेकिन निशा ने जब एक बल्ब चेंज करने के लिए एक टूल पे उठने की कोशिश कर रही थी तब वो नहीं कर पाई थी। लेकिन वो कुंदन को बुलाए और कुंदन को उसको पकड़ने के लिए बोला और वो स्टूल में उड़ गई। लेकिन कुछ टाइम बाद वो जब उतरने वाली थी तब वो कुंदन के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रही थी और कुंदन को भी ये लगने लगा था कि निशा भी शायद उसे प्यार करने लग गई थी। ये सिलसिला काफ़ी देर तक उसी दिन चलने लगा और निशा और कुंदन के बीच बहुत टाइम तक रोमांटिक मोमेंट बिताया। ये बहुत ही बड़े गुजरिश है, लेकिन इस गुजरिश के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कैसे उस निशा और कुंदन के बीच में उस निशा के भाभी ने आ जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह से उल्लोजन के किसी भी गुजरिश का अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मिर्ची वेबसीरीज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।